नजर आए और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। मुखबिर द्वारा सूचना पर वर्ला रोड पुल के पास एक सफेद रंग की टोयोटा कंपनी की कार को रोककर उसमें बैठे दो व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए कार चालक से अपना नाम हरमीत सिंह निवास ग्राम दमदमा पता चला था तथा दूसरे ने अपना नाम गुरविंदर बताया था, हरियाणा का होना बताया, जिनसे सेंधवा आने के संबंध में पूछने पर कभी कुछ बताने पर कार की तलाशी ली गई, जिसमें हरमीत सिंह के कॉलेज बैग में से 5 देसी पिस्टल तथा गुरविंदर सिंह के बैग में से 5 देसी पिस्टल मिलने पर आरोपी हरमीत सिंह के कब्जे में 5 देसी पिस्टल में बैग की कीमत करीब 1,00,000 रुपये, एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल कीमत करीब 5,000 तथा सफ़ेद रंग के टोयोटा कंपनी की कार क्रमांक MP09AC5360 कीमत करीबन 4,00,000 रुपये तथा आरोपी गुरविंदर सिंह से 5 पिस्टल कीमत करीबन 1,00,000 रुपये तथा एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल कीमत लगभग 7,000 रुपये का जब्त कर उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 323/21 धारा 25 1A आर्म्स एक्ट व बढ़ाने धारा 420 भादवी का पंजीबद्ध किया गया है। आगे की जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट पर। है ना? तो सर, सर क्या कुछ मामला पिस्टल है? सर अवैध रूप से पिस्टल पकड़ी, क्या मामला पूरा? ये थाना सेंधवा शहर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये गाड़ी में कोई लोग आ रहे हैं जिसकी हथियार खरीद के उमर की तरफ से आ रहे हैं, जिसके आधार पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करने के चक्कर में उनको तलाशी ली गई, जिसके आधार पर दो व्यक्तियों को बैग से तलाशी लेने पर 5-5 पिस्टल मिली है और उन्होंने अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट MP09 लिख के यहाँ पर आए, वो जिसका ओरिजिनल पासिंग नंबर हरियाणा है HR03 है। कुल मशरू का टोटल 6,12,000 है। दोनों से 5-5 पिस्टल और एक कार और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसके आधार पर थाना सेंधवा शहर में 323/21-25 आर्म्स एक्ट और 420 IPC धारा बढ़ाई जा रही है। और इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी बलदेव सिंह मुजालदा, RC सोलंकी और सेंधवा शहर का बल का सराहनीय योगदान रहा। सर कहाँ ले जा रहे थे ये पिस्टल खरीद कर? ये सिरसा हरियाणा के हैं दोनों व्यक्ति, और भी इसी आधार पर पुलिस ने एक जगह और वरला में भी कार्रवाई की है। सब डिवीजन अंतर्गत 2 कार्रवाई, वरला में 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, वो भी हरियाणा के हैं और उनसे भी 2 पिस्टल जब्त की गई है। कुल कितने हथियार हैं सर यहाँ पर? 10 यहाँ पर जब्त किए सेंधवा शहर में और 2 वहाँ पर थाना वरला में जब्त किए गए। कोई वाहन वगैरह? वाहन इसमें जब्त किया गया, कार जब्त की जा रही और 2 मोबाइल और 10 पिस्टल। जाँच में और कोई खुलासा होने की संभावना? अभी इसमें जिस व्यक्ति से उन्होंने हथियार खरीदे थे उसका गिरफ्तार कर रहे हैं पुलिस, उसका नाम पता चल गया है। सर इतनी बड़ी मात्रा में हथियार खरीद कर लेकर जा रहे थे, क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना? ये इनके द्वारा पूछताछ विवेचना का विषय है, आगे और जांच की जाएगी। सर लगातार उमरठी से हथियार खरीदे जा रहे हैं, वरला थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, सेंधवा ग्रामीण और सेंधवा शहर के द्वारा कार्रवाई की जाती है, क्या कारण है कि वरला पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती? नहीं, वरला थाने द्वारा भी आज कार्रवाई की गई है, वहाँ पर भी FIR और अभी 3-4 और इसी महीने कार्रवाई हुई अगस्त में। जब भी मुखबिर सूचना प्राप्त होती है सभी थाना प्रभारी कार्रवाई करते हैं। अवैध हथियार की निरंतर कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद लगातार बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हो रहा है, व्यापारियों को या किसी पर अपना अपराधियों को किसी प्रकार का डर नहीं है पुलिस का? ये लोकल लोग यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से इनसे कनेक्ट होते हैं और बाहर के लोग यहाँ पर आके इनसे हथियार खरीदते हैं, तो जब भी उनका पता लगाते हैं और हम उनको आरोपी गिरफ्तार करते हैं। सर किससे खरीदे हथियार इन्होंने? ये अभी व्हाट्सएप कॉलिंग से हुआ है, उसको आरोपी को पुलिस जांच के आधार पर गिरफ्तार करेगी, केफ और रिकॉर्ड करेगी।